नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऑल व्हील ड्राइव फोर व्हील ड्राइव के बारे में। वैसे कई लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि फोर व्हील ड्राइव और 4x4 में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले उन लोगों को आंसर देता हूं कि आप अभी के लिए फोर व्हील ड्राइव और 4x4 को सेम मान लीजिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अभी के लिए मान लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि सेम होते नहीं है, ये सेम होते हैं, लेकिन इनका डिफरेंस कहाँ आ जाता है वो ऐसे होता है कि ये टेक्नोलॉजीज काफी बढ़ गई है। अब एक 4x4 में भी काफी सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ गई है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग नाम यूज करते हैं। कुछ यूज कर रहे हैं 4x4, कुछ यूज कर रहे हैं फोर व्हील ड्राइव, कुछ बोल रहे हैं रियल टाइम फोर व्हील ड्राइव, कुछ बोल रहे हैं ऑल टाइम फोर व्हील ड्राइव, तो इससे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसलिए आप ये मान लीजिए कि 4x4 और फोर व्हील ड्राइव सेम होते हैं। अब बात आती है ऑल व्हील ड्राइव की और फोर व्हील ड्राइव की, ठीक है। तो आप कहेंगे कि भाई मोस्ट प्रोबेबली ऑटोमोबाइल्स में चार ही टायर होते हैं, अब चारों टायर काम कर रहे हैं तो फोर व्हील ड्राइव हो गया और ऑल व्हील ड्राइव भी वही हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है वो इस वीडियो में आगे देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि गाड़ी के चार टायर सेम स्पीड पे नहीं होते हर बार, ठीक है। मान लीजिए गाड़ी एकदम सीधी जा रही है, एकदम स्ट्रेट रोड में, उस सिचुएशन में चारों टायर सेम स्पीड पे चलेंगे, ठीक है। लेकिन अब गाड़ी को लेना है टर्न। मान लीजिए जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, आमतौर पे आप पूछते हैं ये क्या है, तो आज इसका काम भी लेते हैं। तो मान लीजिए ये जो है उसको सीधा जा रहा है, तो इसके चारों टायर्स जो है वो सेम स्पीड पे काम करेंगे। लेकिन अगर इसे लेना है टर्न, ठीक है, तो टर्न लेते वक्त जो अंदर वाले टायर है वो तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, कम स्पीड होगी, बाहर वालों की ज्यादा होगी, ठीक है। अगर इसको यूं टर्न लेना है तो अंदर वाले टायर को, तो जो इस तरफ टर्न लेना है तो ये वाले टायर तो कम स्पीड पे होंगे, ये ज्यादा होंगे। अब क्या होता है अगर गाड़ी में ये चीज ना हो, उनकी स्पीड कम ना हो, इनकी ज्यादा ना हो, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। लेकिन इंजन तो सेम पावर डिलीवर करेगा, वो कैसे अलग अलग पावर डिलीवर करेगा, एक ही इंजन है जो कि दोनों टायर्स को चला रहा है। अब मानते हैं अगर टू व्हील ड्राइव की बात करते हैं तो एक ही इंजन दोनों को चला रहा है, अगर फोर व्हील है तो एक ही इंजन है जो चारों को चला रहा है। तो यहां क्या होगा, अगर आप चारों व्हील्स की स्पीड सेम होगी तो या तो एक जो अंदर वाला व्हील है वो एक्स्ट्रा रोटेट करेगा, या फिर वो बाहर वाला जो व्हील है वो कम रोटेट करेगा। दोनों ही सिचुएशन में ड्राइविंग पे असर पड़ेगा। हो सकता है गाड़ी अंडर स्टीयर हो जाए, आप जहां ले जा रहे हैं वहां नहीं जाना चाहे, एक्सीडेंट हो जाए, एक्सेल टूट जाए उस वजह, फ्रिक्शन की वजह से, ट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से, या फिर जॉइंट्स टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी जो दिक्कत थी गाड़ी में, इसको दूर करने के लिए एक चीज इन्वेंट की गई, उसका नाम था डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल जो है वो अपने आप में एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन डिफरेंशियल पूरी तरह मैकेनिकल है। जो एकदम स्टैंडर्ड डिफरेंशियल है वो पूरी तरह मैकेनिकल है, कोई इलेक्ट्रॉनिकल चीज उसमें नहीं है। तो कितनी जबरदस्त चीज है डिफरेंशियल वो आपको बताता हूं। डिफरेंशियल क्या करता है, एक्सेल से, अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे फ्रंट में इंजन लग रखा है और रियल व्हील से गाड़ी चल रही है, तो फ्रंट से एक्सेल जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक दोनों तरफ के टायर्स को यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, पावर का डिविजन हो रहा है, तो इस जगह एक डिफरेंशियल लगा होता है। वो डिफरेंशियल ये इंश्योर करता है कि दोनों टायर्स में अलग अलग पावर जाए अगर जरूरत पड़े तो, आमतौर पर सेम जाती है। अभी डिफरेंशियल पूरी तरह मैकेनिकल चीज है, और क्या करता है इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं समझाता हूँ, एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये डिफरेंशियल जिस टायर में रेजिस्टेंस होगी, यानी कि जो ज्यादा मजबूत बन रहा है उसको कम पावर देता है, और जो फ्रीली घूम रहा है उसको ज्यादा पावर दे देता है। बस एकदम सिंपल लॉजिक है इसका, जो घूमना चाह रहा है उसको पावर दे देता है, जो नहीं घूमना चाह रहा है उसको नहीं देता है। घूमना नहीं घूमना, आप ऐसे मान लीजिए एक तो टारमैक पे है, मान लीजिए एक पूरी पूरी की पूरी ढंग की रोड पे बैठा है एक टायर, और दूसरा टायर जो है वो चिकनी सतह पे है। अगर वहां पे आप गाड़ी पे एकदम से स्पीड अप करेंगे तो जो टारमैक पे है उसको कम मिलेगी, और जो पूरा पानी वाले एरिया पे या स्लिपरी एरिया पे है, जो रफ सरफेस है, उसको ज्यादा मिलेगी। तो इस सिचुएशन में ये जो डिफरेंशियल है वो इसको अलग अलग डिवाइड कर देता है। अब वापस लौटते हैं अपने ऑल व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव वाले टॉपिक की तरफ। एक ऑल व्हील ड्राइव जो होती है वो एक टाइम पे सारे टायर्स को पावर दे रही होती है, ठीक है। ऑल व्हील ड्राइव कार में एक टाइम पे चारों टायर्स को पावर मिल रही होती है। 4x4 में चारों टायर्स को पावर तभी मिलती है जब वो ऑफ रोडिंग कंडीशन में हो और आप मैन्युअली उसे कंट्रोल कर सकते हो। आप चाहो तो गाड़ी 4x4 में होगी, आप चाहो तो गाड़ी में सिर्फ दो ही टायर में पावर जाएगी, ठीक है। ये सबसे बेसिक डिफरेंस आता है। अब आप बोलेंगे कि ऑल व्हील ड्राइव में जब चारों टायर्स को जा रही है तो वो कैसे मतलब चलेगी तेज स्पीड पे, सेम टायर की सेम स्पीड होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव में तीन जगह डिफरेंशियल्स का यूज किया जाता है। पहला डिफरेंशियल तो आगे वाले दो टायर्स के बीच में, दूसरा डिफरेंशियल
आगे वाले टायर्स के सेट और पीछे वाले टायर्स के सेट के बीच में, ठीक है, यहाँ सेंटर में एक और डिफरेंशियल यूज किया जाएगा, उसके बाद तीसरा डिफरेंशियल पीछे वाले टायर्स के बीच में भी होगा ही, ताकि दोनों पावर में, दोनों टायर्स में स्प्लिट जहां करना हो वहां पे वो काम आए। यहाँ पे क्या होगा कि ऑल व्हील ड्राइव में जिस टायर को जितनी ज्यादा फ्री मोमेंटम मिल रहा है वो उतनी ज्यादा स्पीड ले लेगा, और ऑल व्हील ड्राइव जो है वो सबसे सेफेस्ट माना जाता है, लेकिन सिर्फ ऑन रोड कंडीशन पे जहां पे रोड्स रंगी हो। ऑल व्हील ड्राइव जो है वो ऑफ रोडिंग में इतना ज्यादा काम नहीं आता है। डस्टर जो है इंडिया में अभी आप देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से एंट्री लेवल में सबसे अच्छी कार है जो कि ऑल व्हील ड्राइव ऑफर कर रही है डस्टर, तो वो ऑफ रोडिंग में ज्यादा काम नहीं आती। आप ले जा सकते हो उसे ऑफ रोडिंग क्योंकि चारों टायर्स में इक्वल अमाउंट की पावर जा सकती है तो वो ढंग से काम कर जाएगी, लेकिन वो प्रॉपर 4x4 के मुकाबले नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि 4x4 में ये होता है कि गाड़ी के दोनों टायर्स, पीछे के दोनों टायर्स और आगे के दोनों टायर्स में सेम पावर जाएगी, नो मैटर कौन सा टायर पे कितना फ्रिक्शन ले रहा है, कौन से टायर में कितना रेजिस्टेंस है, कौन सा कितना फ्री घूम रहा है, उसका कोई मैटर नहीं है। वहां पे डिफरेंशियल में लग जाता है लॉक, और इस लॉक की वजह से दोनों टायर्स में सेम स्पीड पे सेम पावर जाती है। अब इसको इस तरीके से समझिए कि एक टायर जो है वो हवा में है, ठीक है, अगर यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव होता तो वो जो टायर हवा में है तो उसको घुमाता रहता, लेकिन उससे हमें क्या फायदा होना है, गाड़ी तो आगे बढ़ नहीं रही है, फिर मतलब क्या घूमने का, टायर घूमते हुए देखना है नहीं हमें। तो 4x4 वाले सिस्टम में क्या होगा कि दोनों टायर को सेम मिलेगा, जो टायर टिका हुआ है जमीन पे उसको भी, जो हवा में उसको भी, दोनों को मिलेगा, जिस वजह से गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। ऑफ रोड कंडीशन में ये हो जाता है, लेकिन अगर आप 4x4 को प्रॉपर टारमैक या प्रॉपर रोड पे चलाते हो तो वही दिक्कत आएगी कि दोनों को सेम पावर मिल रही है और टर्न लोगे तो दिक्कत आ जाएगी। इसी वजह से ऑल व्हील ड्राइव जो होती है वो हमेशा प्रॉपर रोड कंडीशन के लिए सबसे सेफेस्ट कार मानी जाती है, फोर व्हील्स जो होती है वो ऑफ रोडिंग कंडीशन के लिए ज्यादा अच्छी होती है। अब यहाँ पे दोस्तों ये सारा बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये दोनों टेक्नोलॉजीज बहुत डेवलप हो गई है। ऑल व्हील ड्राइव भी अपने आप में बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है। कुछ कंपनीज जिनका नाम मुझे याद आता है वो सुबारू, ऑडी और उसके बाद टोयोटा, इन्होंने ऑल व्हील ड्राइव को सिस्टम को बहुत डेवलप किया है। टोयोटा ने 4x4 सिस्टम से भी बहुत काम किया है। तो अब ये जो बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आप इसमें कोई ट्वीक कर दो, अगर आपको थोड़ी ज्यादा नॉलेज है तो आप कह दोगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, रियल टाइम फोर व्हील ड्राइव वाली कार में ये होता है, ऑडी क्वाट्रो में ये होता है, तो वो मैं यहाँ नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको बेसिक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डिफरेंशियल्स का अलग अलग तरीके का प्रयोग करके आप अलग अलग तरह की पावर जनरेट कर सकते हैं। एक ऑल व्हील ड्राइव में आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए, अब टायर्स में ये भी कैपेसिटी हो गई है कि वो एक टायर को ब्रेक कर दे, एक टायर पे ब्रेक लगाते हैं बाकी तीन टायर घुमा सकते हैं, दो टायर पे ब्रेक लगा के बाकी दो टायर रन कर सकते हैं, जब जरूरत पड़े तभी ऑल व्हील ड्राइव ऑन होता है, यूजुअली वो भी टू व्हील ड्राइव बन जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन ऑल व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव में ये जो बेसिक डिफरेंस मैंने बताया है ये सबसे एप्ट अभी तक रहेगा। हो सकता है इन फ्यूचर अगर आप में और क्यूरियोसिटी हो तो मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं कि कैसे 4x4 में अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, कैसे ऑल व्हील ड्राइव में अलग अलग टेक्नोलॉजी आ गई है, सुबारू जैसी कंपनीज ने कैसे ऑल व्हील ड्राइव को मास्टर किया है, ओवर द टाइम उन्होंने सबसे ज्यादा ऑल व्हील ड्राइव कार बनाई है और लोगों को सबसे ज्यादा वो पसंद आ रही है, तो ये कई चीजें आगे आ सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप नए हैं, तो मैं डेली ऐसी वीडियोज लाता रहता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए सुरक्षित चलिए, सीट बेल्ट पहनिए, धन्यवाद।